हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर भुगतान शेष या व्यापार शेष वाले चैप्टर से भी आता है। भुगतान शेष जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं, BOP, आपके समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है। यहाँ से भी शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट में लॉन्ग में नहीं ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, समझने में मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस में गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार क्वेश्चन लिया हुआ है, अलग अलग तरीके, दिखने में एक जैसा होगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। एक नंबर में या दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं करके बताऊंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लगातार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कम इसकी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नया वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार शेष में 5000 करोड़ का क्या दिखाया गया है, घाटा। घाटा मतलब समझते हो ना। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि व्यापार शेष घाटा क्या होता है। व्यापार शेष घाटा का मतलब होता है आयात माइनस निर्यात। जब आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है, उस स्थिति को व्यापार शेष घाटा कहते हैं। और आयातों का मूल दिया हुआ है 9000, तो आपसे पूछा गया है कि निर्यात कितना होगा। व्यापार शेष घाटा यानी कि 5000 बराबर आयात गिवन है 9000 और आपसे पूछा गया है निर्यात कितना होगा। अब यहीं से फार्मूला आप लोग बना लीजिए। तो निर्यात कितना होगा, निर्यात यानी कि कम होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से फार्मूला बनेगा निर्यात बराबर 9000 माइनस 5000। साइन चेंज हो जाता है कि निर्यात इधर आ गया, ये इधर आ गया, अपनी जगह बदल लिया। तो ऐसे में निर्यात का मूल कितना होगा, ₹4000। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 9000 में से 5000 घटाकर 4000 लिख के छोड़ देते। नहीं, गलत है, क्योंकि यहां पर करोड़ में है, रुपीज का साइन है, ये लगाना जरूरी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही हो गया, फर्स्ट सिंपल है ना, इजी है ना। तो इसी तरह इजी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इजी वे में, आपकी खुद की लैंग्वेज में, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल होगा मेरा, लगातार लाइव वीडियो देखना है, शाम के 7 बजे जुड़ जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दूसरा क्वेश्चन है व्यापार शेष का घाटा। यहाँ पर भी व्यापार शेष घाटा दे रखा है, कितना है, 300 करोड़। निर्यातों का मूल्य गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में आयत गिवन था, यहाँ पर निर्यात गिवन है, आपको आयत निकालना है। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, व्यापार शेष घाटा बराबर क्या होता है, आयत माइनस निर्यात, ठीक है। घाटा दे रखा है 300 और आयत गिवन नहीं है, आयत हमें निकालना है। तो आयत माइनस निर्यात कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 500 करोड़। जाहिर सी बात है आयत का मूल्य ज्यादा, घाटा का मतलब आयत का ज्यादा होना। तो ऐसे में जगह बदलिए तो आयत बराबर हो जाएगा 500 प्लस का माइनस माइनस और ये हो गया 300 बराबर कितना हो जाएगा, 800 करोड़, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो सब प्लस माइनस कैसे हो गया, देखिए आयत इधर चला आएगा तो आयत बनेगा माइनस का आयत, और इधर हो गया माइनस का 500, इधर हो जाएगा माइनस का 300, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 800, माइनस से माइनस कट गया तो बचा 800। कैलकुलेशन का तरीका है बस इजी वे में, ताकि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े, हमने साइड चेंज कर लिया। क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यापार शेष 700 करोड़ रुपीज है और निर्यात, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, घाटा। व्यापार शेष घाटा, घाटा तब होता है जब आयात ज्यादा होता है और निर्यात से, आयात में से निर्यात। और जब व्यापार शेष कहा जाता है, इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर व्यापार शेष में निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है। तो ऐसे में ये दे रखा है निर्यात माइनस आयात, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल व्यापार शेष की बात कर रहा है, व्यापार घाटे की नहीं। तो व्यापार शेष बराबर क्या होता है यहां पर, व्यापार शेष गिवन है 700 और निर्यात दे रखा है 1200। निर्यात कितना दे रखा है, 1200, आपसे पूछा गया है कि आयात कितना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तो ऐसे में आयात बराबर हो जाएगा, आयात बराबर
1200 माइनस 700 बराबर रुपीज 500 करोड़, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा, इससे थोड़ा सा अलग है। लास्ट वाला कंफ्यूजन वाला है, दिखेगा ऊपर वाले की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? यदि व्यापार शेष 1000 करोड़ है लेकिन वो 1000 करोड़ इसमें दे रखा है माइनस में, यानी कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये व्यापार घाटा ही है, व्यापार शेष का घाटा ही है बट लिखा हुआ है व्यापार शेष, समझ में आ गया। और निर्यात का मूल्य दे रखा है 300, तो आयात का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, फार्मूला क्या होगा, व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। तो व्यापार शेष दे रखा है माइनस का 1000 और निर्यात दे रखा है 300, हमने निकालना है आयात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयात का मूल्य, आयात बराबर हो जाएगा 300 माइनस माइनस का 1000, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 300 प्लस 1000 बराबर रुपीज 1300 करोड़, यानी कि आयात ज्यादा है और निर्यात घाटा है, निर्यात कम है। तो ऐसे स्थिति को हम क्या बोलते हैं, व्यापार शेष घाटा कहते हैं। अगर आपको व्यापार शेष किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, इसके बारे में नहीं पता, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, आपको चैप्टर मिलेगा भुगतान संतुलन, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था इस बुक का समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है, जिसमें आपको दो टॉपिक मिलेगा, विदेशी विनिमय और भुगतान संतुलन। तो जैसे खुली अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कीजिए, आपको इस चैप्टर के सारी वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लगातार सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाने के लिए। थैंक यू।